वो जुल्म फिर बंद हो गया। आ रहा, चलो चलो, कसरू बुला रही। चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम कल अली बाबा का देख रहे थे, तो क्राइटेरिया मैंने आपको लिखवा दिया था, तो आज हम उस क्राइटेरिया के ऊपर मैन्युफैक्चर देखते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारी अली बाबा का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरर। हमने क्या ढूंढना है जी, इधर से मैन्युफैक्चरर ढूंढना। तो हम इधर मैन्युफैक्चरर पे क्लिक करेंगे। मैन्युफैक्चरर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास इंटरफेस आएगा वो मैन्युफैक्चरर के लिए आएगा। अब यहाँ पे हमने अपना कीवर्ड टाइप करना है कि किस चीज का मैन्युफैक्चरर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर द इंस्टेंस हम हर्ब सीजर्स की एग्जांपल देख रहे थे, तो हम हर्ब सीजर्स इधर टाइप करते हैं और फिर देखते हैं उसके जो मैन्युफैक्चरर आते हैं और उनको हमने फिल्टर कैसे करते हैं। मैंने जी वो अपना कीवर्ड टाइप किया और मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब ये हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने अपना जो है वो क्राइटेरिया लगाना है, जिस क्राइटेरिया के ऊपर हमने डिसाइड किया था कि सप्लायर कौन सा चूज करना है, और उस क्राइटेरिया के बाद हमने उस सप्लायर के ऊपर वेटिंग करनी है, ठीक है। यानी कि उसको एनालाइज करना है, उसकी प्रोफाइल के साथ गो थ्रू करना है कि वो किस किस टाइप का जो है काम कर रही है। अच्छा जी, अब सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था जी, ट्रेड इंश्योरेंस हो, तो वो ऊपर आपको नजर आ रहा जी, ये लिखा हुआ ट्रेड इंश्योरेंस, आपने ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। इस चेक बॉक्स पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ आपको वो ही मैन्युफैक्चरर दिखाएगा जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म होगा, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरा, इधर आपके पास डिफरेंट और क्राइटेरियाज आ रहे हैं जो हमने नहीं नोट किए या हमने उनके ऊपर नहीं बात की, पर आप चाहें तो उनको भी वहां से वाइज भी किसी मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ गई मैनेजमेंट सर्टिफिकेशंस। ये मैनेजमेंट सर्टिफिकेशंस के डिफरेंट फीचर फिल्टर्स आ गए। मसलन मुझे इनमें से सिर्फ एक आईएसओ का पता है कि जो आईएसओ सर्टिफिकेट है ना, ये क्वालिटी का सर्टिफिकेट होता है, तो मुझे क्योंकि अच्छी क्वालिटी चाहिए तो मैं इस फिल्टर को भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। कि मुझे सिर्फ वो बंदे दिखाओ जिनके पास ISO 9001 सर्टिफिकेट या ISO की और भी डिफरेंट टाइप्स के जो सर्टिफिकेट हैं वो हो सकते हैं। अगर आप किसी सर्टिफिकेट का नहीं पता वो क्या है तो घबराने वाली बात कोई नहीं है जी, गूगल के ऊपर टाइप करें कि उधर कौन कौन से सर्टिफिकेट नजर आ रहे हैं, ISO के साथ FSC था और कुछ और था, उनको गूगल पे सर्च करोगे क्या चीज के सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो भी फिल्टर करने आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप उनको भी फिल्टर कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये डिफरेंट कैपेबिलिटीज भी आ सकती है, उनके पास मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट हो, फिनिश प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन हो, क्वालिटी इश्योरेंस हो, तो इनमें से भी आप फुल कस्टमाइजेशन, कि आप ऐसा मैन्युफैक्चरर चाह रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट को आपके मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज कर सके, तो वो वाले मैन्युफैक्चरर चाहिए जो कस्टमाइजेशन की सर्विसेज देने वाले हैं, तो आप यहाँ से फुल कस्टमाइजेशन को चेक कर सकते हैं। समझ रहे, डिफरेंट फिल्टर्स किस तरह हमारे लिए डिफरेंट वेज में हेल्पफुल हो सकते हैं। अच्छा जी, ये ISO का हो गया जी, मैंने चेक किया BSCI, ये किस चीज का सर्टिफिकेट है आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये जो मेरे पास ट्रेड इंश्योरेंस वाले आ गए, अब आपने बाकी का क्राइटेरिया इस पे फुलफिल करना है। अब ट्रेड इंश्योरेंस में से, ट्रेड इंश्योरेंस के अलावा दो क्राइटेरिया और हैं जो हमें वाइड नजर आ रहे हैं, वेरीफाइड है जी, मैंने कल लिखवाया था वेरीफाइड होना चाहिए। मिनिमम कितने साल हो गए हैं उसको, 3, इसको कितने हो गए जी, 5, चलो जी ये भी ठीक है,
इसको खोल लिया एक साइड पे, इसको 9 साल हो गए वेरीफाइड है, इसको खोल लिया एक साइड पे। तीन तीन रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ट्रेड इंश्योरेंस, वेरीफाइड और 3 ईयर्स वाली, ठीक है। दो पीछे कौन सी रह गई थी, जेम्स वाली होगी और गोल्डन बैज वाली होगी, ठीक है। इन्होंने अपना इंटरफेस चेंज किया, पहले ये बाहरी सर्विस दिखा देते थे। अब लेट्स सपोज मैंने ये एक कंपनी खोल ली है जिसके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है, अब मुझे इसकी बाकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है, तो वो मैं कैसे चेक करूंगा जी? किधर गया है, रीलोड ही हो रहा है जी। अभी तो नहीं आ रहे, नहीं नहीं किसी के साथ भी नहीं शो हो रहे, किधर शो हो रहे? ये जी अपना इंटरफेस बदलता रहता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये चैट नाउ का ऑप्शन है जी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो चैटिंग ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, अभी हम क्या देख रहे थे जी, जेम्स को ढूंढ रहे हैं, जेम्स किधर गए? गोल्डन बैज और जेम्स दोनों रिव्यूज में, प्रोडक्ट में, वीडियो टिप्स में। ये इसकी ट्रांस की हिस्ट्री है, वैसे जेम्स के अलावा बात कर रहा हूँ, कितनी है, $6,000+। इसका एवरेज टाइम क्या है जी, less than 5। रिव्यूज रेटिंग इसके पास में 7 रेटिंग है, इसके रिव्यूज अच्छे हैं। ये मैं वेटिंग आपको बता रहा हूँ जब तक जेम्स नहीं मिले, ठीक है। वेटिंग का मतलब हमने उसकी कंपोज की प्रोफाइल को सी है, इन बात तो आपने देखनी है किसी सप्लायर को फाइनलाइज करते हुए कि वो मैन्युफैक्चरर हो, वो ब्रोकर ना हो। आपको बड़े लोग अलीबाबा में मिलेंगे, तो हमने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कॉन्टेक्ट करना है। उसका तरीका क्या है कि आपने सिर्फ समझ रहे बात, जब आप उसकी प्रोडक्ट में जाएंगे ना कि ये किस किस टाइप की प्रोडक्ट में काम कर रहा है, तो उसकी सारी प्रोडक्ट ही किचन से लेना और कटर कटर से रिलेटेड है, प्रेसेस हैं,
तो अभी आप मोबाइल चला रहे थे, देखो कैसे चुपके चला रहे हो मोबाइल। ओ यार मैं मोबाइल चला रहा हूं, उसको भी लैपटॉप सोना था। सोना है बंदा लाइट ऑफ करके स्पून से सोए। मेरी क्लास जा रही है यार, मैंने बंद कर दिया ये। अच्छा जी, ये हम उसके स्टोर पे आ गए। स्टोर पे आने के बाद आप देखें, ये 5 इयर्स हैं, 5 इयर्स के साथ ये गोल्डन बैज लिखा हुआ है, व्हाट इज गोल्ड सप्लायर। ठीक है, तो इसके पास गोल्डन बैज भी हो गया, इसके पास ट्रेड इंश्योरेंस भी होगी, वेरीफाइड भी हो गया, और ईयर वाला रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। पीछे हमारी रिक्वायरमेंट बची जेम्स वाली स्टोर। अच्छा, इन्होंने अब वो अपना इंटरफेस बदल दिया। स्टोर पे आने के बाद आप इसके जब नाम के ऊपर आएंगे तो आपको इसके जेम्स नजर आ रहे हैं। कितने जेम्स हैं जी इसके पास? एक जेम्स, वो डायमंड है जो ऑरेंज कलर का डायमंड है। ठीक है जी, अब इसके पास एक है। अब हैरानगी वाली बात है कि बंदे के पास रेटिंग भी बहुत अच्छी है, उसका डिलीवरी टाइम भी 100% है, और उसका रिस्पॉन्स टाइम चलो 4 घंटे से ज्यादा है, ट्रांजेक्शन उसकी 70,000+ है, लेकिन उसके पास जेम्स क्यों है क्या? मुझे ये नहीं अब समझ आ रही। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की फैक्टर आ गया कि 5 साल से बंदा बैठा है, लेकिन 5 साल से इसकी ट्रांजेक्शन इतनी कम है कि अलीबाबा ने उसको जेम एलोकेट की है, यानी कि इसकी लोगों के साथ डीलिंग कम है। कोई वजह हो सकती है कि लोग इसके साथ डील नहीं कर रहे, एक चीज ये भी पॉसिबल है कि ये लोगों से यहाँ पे डील करके उनसे पेमेंट डायरेक्ट लेता है, अलीबाबा के थ्रू नहीं लेता कि मुझे अलीबाबा को ना पैसे देने पड़े, ये भी एक रीजन है। लेकिन अगर हम इस चीज को ट्रस्ट करके कि यार चलो ये बंदा बहुत अच्छा है, हर चीज अच्छी है, डायरेक्ट पेमेंट लेता है, वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमने तो अलीबाबा के थ्रू ही पे करना है, फिर ही अलीबाबा जमानती बैठेगा ना बीच में, वरना अलीबाबा कहेगा आप तो मेरे प्लेटफॉर्म से साइड पे ले गए, अपने केस हम खुद ही निपटाओ। ठीक है जी, तो इसलिए मैं अभी सप्लायर को आगे फर्दर एनालाइज ही नहीं करूंगा, मैं यहाँ से इसको बंद कर दूंगा जी कि ये मेरे मतलब का नहीं। ठीक है, अब मैं इसके स्टोर पे आता हूँ जो हमने ये वाला ओपन किया था, इसके बारे में हम देखते हैं। गोल्डन बैज भी है? नहीं, ये गोल्डन बैज नहीं है, ये ट्रेड इंश्योरेंस है। गोल्डन बैज को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं अगर बाकी चार अच्छी है। ठीक है, क्योंकि गोल्डन बैज परफॉर्मेंस पे नहीं मिलता, वो अलीबाबा को एक्स्ट्रा पे करके कोई भी ले सकता है गोल्डन सप्लायर बैज। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैं इधर आ गया। हाँ जी, इसके जेम्स 3 है, हमारी रिक्वायरमेंट भी क्या थी? मिनिमम 3 जेम्स होने चाहिए। ये बंदा हमारे लिए ठीक है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर बैट करते हैं। बैटिंग कैसे करनी है? हम इसकी प्रोडक्ट्स में आए हैं, अब हम देख रहे हैं कि ये किचन में काम कर रहा है, किचन में काम कर रहा है, फ्लैटवेयर, सीजर सीरीज, बेकवेयर सीरीज, ड्रिंकवेयर सीरीज, किचन स्टोरेज, बारबेक्यू टूल्स, अब ब्यूटी टूल्स। 2 निशेज के अलावा बाकी इसकी मोस्टली निशेज किचन से रिलेटेड है कि नहीं है? तो मेरा एक डाउट क्लियर हो रहा है जी कि ये मिडल मैन नहीं हो सकता, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है, गुड टू गो है, ये भी ओके हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं इसकी प्रोफाइल पे आके कंपनी ओवरव्यू करूंगा। क्या मैं इसकी कंपनी का ओवरव्यू कर लूं जिस पेज पे हम पहले थे? अच्छा, कंपनी ओवरव्यू में आया, मैंने देखा अच्छा ही 9 साल से अलीबाबा पे है, इतना इसका स्टाफ है, और मेन प्रोडक्ट भी वो खुद बता रहा है कि मैं किचन गैजेट्स पे काम करता हूँ। ठीक हो गया, 9.5 रिव्यूज है, क्लिक करके रिव्यूज पढ़ लेंगे, रिस्पॉन्स टाइम ये है, डिलीवरी रेट ये है। अच्छा जी, सर्टिफिकेट्स इसके पास कौन कौन से हैं मैं वो देखूंगा जी। माइनर कस्टमाइजेशन के सर्टिफिकेट्स, यानी कि ये कस्टमाइजेशन करेगा लेकिन थोड़े लेवल की, वो फुल प्रोडक्ट को कस्टमाइज नहीं करेगा, डिजाइन कस्टमाइज कर देगा, सैंपल कस्टमाइज कर देगा। तो ये आपके पास सर्विसेज हैं जो ये दे रहे, ये क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल में इंस्पेक्शन भी दे रहा है आपको,
रॉ मटेरियल की ट्रेसेबिलिटी की आइडेंटिफिकेशन भी दे रहा है, और दो किस्म के इसके पास आईएसओ के सर्टिफिकेट है, एक 14,000 है और एक 9,001, ठीक है, डिफरेंट क्वालिटी के सर्टिफिकेट्स हैं इसके पास। चले जी, ये भी चीज एक अच्छी होगी हमारे लिए। अब और मैं इसको क्या देखूंगा, प्रोफाइल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देखूंगा जी, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देख लिया जी। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देखने के बाद सर्टिफिकेट्स इसके वो दोनों की इमेजेस लगी हुई है, आप स्कैन कर सकते हैं कि ये वैलिड है सर्टिफिकेट के नहीं अपनी आसानी के लिए, ठीक है जी। क्वालिटी कंट्रोल यस, ऑल प्रोडक्ट्स पे वो दे रहा है। ट्रेड बैकग्राउंड देखिए जी, नॉर्थ अमेरिका में कितने परसेंट काम किया जी इसने, डोमेस्टिक मार्केट में 20% और अमेरिका में 10%, तो आपके लिए ये भी बहुत बेनिफिट रहेगा। ऑब्वियस बात है, अगर एक बंदा अमेरिका में काम करे तो उसके क्वालिटी के स्टैंडर्ड उस हिसाब से होंगे काम करने के। एक बंदे का काम करने का ज्यादा एक्सपीरियंस ही साउथ अफ्रीका का है। आप उसी मैन्युफैक्चरर से अपनी प्रोडक्ट यूएसए में बेचना चाह रहे हो या यूके में, तो मुझे बताएं क्वालिटी में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसको आदत पड़ी है साउथ अफ्रीका के हिसाब से क्वालिटी बनाने की। तो ये चीज भी आपने देखनी है कि आप किस मार्केट में काम कर रहे हो, और कोशिश करो कि आपका सप्लायर उसी मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कर चुका हो, ठीक है जी। तो इसने अब तक जितनी ट्रेडिंग की है सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में की है, यानी कि यूएसए में। अच्छा, इनके पास तो R&D की कैपेबिलिटीज भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। आप अपने सप्लायर से भी ये बात कर सकते हो कि यार मैं अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना चाह रहा हूँ, और उसके लिए मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम चाहिए जो मेरे पास नहीं है। आपके पास टीम है क्या, मेरे भी आप पे इस प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, आप इसके ऊपर रिसर्च करोगे कि अगर इसमें इंप्रूवमेंट लाएं तो कैसी लानी चाहिए, तो मैं आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने को तैयार। तो वो सप्लायर इस चीज पे भी मान जाते हैं और आपको ये वाली सर्विसेज भी दे सकते हैं। क्लियर है? चले, ये चीजें व्यू करने के बाद हमारे पास एंड पे आ जाते हैं रिव्यूज। फिर आपने रिव्यूज पढ़ने हैं, जो नेगेटिव रिव्यूज हैं उसके उससे पहले डिस्कस कर लेना है कि भाई ये मैंने आपके नेगेटिव रिव्यूज पढ़े हैं, लोगों ने आपको ये कमेंट किया मेरे साथ ये ना हो, फिर भी अपनी छोटी के लिए उसे कहना है मेरे साथ ये ना हो, और इन बातों को लिखो ट्रेड कि तुम मेरे साथ ये चीज नहीं करोगे। इसको हम कहते हैं अलीबाबा के ऊपर सप्लायर वेटिंग, ठीक है, कि उसको ओवरव्यू करना, उसको गो थ्रू करना। आगे जी, किस तरह हम क्राइटेरिया देखते हैं, ऐसे क्राइटेरिया फुलफिल होगा, किस तरह हम उनकी प्रोडक्ट, उनके ओवरव्यू, उनकी मशीनरीज भी इससे तो नहीं लगाई, कुछ लोग अपनी मशीनरीज भी लगाते हैं कि मेरे पास ये मशीनरी अवेलेबल है, उनकी क्वालिटीज ये है, शायद ये वीडियो में दिखा दे। क्लियर है जी? चले, उससे बात करनी है तो आप ये चैट नाउ पे क्लिक करेंगे, वो मुझे साइन इन करने को कह रहा है, साइन इन होगा, आप चैट नाउ पे क्लिक करेंगे, मैसेंजर ओपन हो जाएगा, आप उसे मैसेज भेजिए कि जी मैं फला फला, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, पूरा एक प्रोफेशनल वे में मैसेज लिखा हो, ठीक है, हर चीज उसमें एक ही मैसेज में डिफाइन हो, इंस्टॉलमेंट में नहीं उसे बताते जाना हर चीज, बस क्वांटिटी आपने कम बतानी स्टार्ट में, वो आपकी सोर्सिंग की हो, बार्गेनिंग की स्ट्रेटेजी, वो आपकी अपनी, ठीक है। कुछ लोग कम क्वांटिटी बताते, कुछ पहले में ही आके सारी क्वांटिटी बताते और बहस शुरू कर देते, तो ये चीज क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, इसमें अलीबाबा से काम क्लियर हो गया जी। RFQ क्या है? ये था जी कि हमने खुद सप्लायर ढूंढा अपने क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है, अब हम RFQ भी सेंड कर सकते हैं जिससे फिर सप्लायर हमें ढूंढेगा। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, आपने RFQ अलीबाबा पे लिखना है, यहां पे आपने क्लिक करना है पोस्ट बाइंग रिक्वेस्ट। जब आप इधर क्लिक करेंगे तो ये RFQ का फॉर्म ओपन हो जाएगा, देख रहे हैं जी, ये फॉर्म ओपन हो गया। इस फॉर्म को फिल करना है, अब आपने प्रोडक्ट का नेम बताएं, क्वांटिटी बताएं, आगे सिलेक्ट करें कि आपको बैग्स में चाहिए, पीसीज में चाहिए, गैलन्स में चाहिए, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की है। इधर डिस्क्रिप्शन बताएं, ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में अपनी सारी चीज लिख दें, वही बात जो आपने वो प्रोफेशनल मैसेज भेजना था वही सारा मैसेज इधर टाइप कर, ठीक हो गया। वो करने के बाद अगर आपके पास उसकी और प्रोडक्ट की इमेज है तो मोर क्लियर उसको आइडिया देने के लिए कि मैं इस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, वो इमेज इधर अपलोड कर दें,
किसी और का RFQ है कि भाई मुझे ऑलरेडी ये रेट मिल रहा है, कोटेशन मिल रही है, आप मेरे लिए क्या करोगे, वो अटैच कर दें एज ए प्रूफ के देखो भाई मुझे ये मिल रहा है, ठीक है, और आपने ये सबमिट RFQ करना है। फिर आपने जोन जोन सी भी प्रोडक्ट सेलेक्ट की होगी, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जोन जोन से मैन्युफैक्चरर काम करते हैं उनको ये RFQ के नोटिफिकेशन जाएंगे, वो आपका RFQ देखेंगे और फिर वो आपको मैसेंजर पे खुद कॉन्टेक्ट करके आपसे कोटेशन बताएंगे और वहां पे आप उनसे बार्गेनिंग स्टार्ट कर लें। क्लियर हो गया जी? ये था मैन्युफैक्चरर फाइंड आउट करना। अली बाबा के ऊपर ही हम इंस्पेक्शन टीम भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो आप इंस्पेक्शन टीम कैसे फाइंड आउट करनी है, सिंपल, यहाँ पे हमने ये कीवर्ड लिखा है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंस्पेक्शन टीम और एंटर कर दूंगा, तो आगे मेरे पास भी जितने रिजल्ट आएंगे वो इंस्पेक्शन कंपनीज के होंगे, उनको भी फिल्टर आउट करने का यही क्राइटेरिया है। आपने इसी तरह वेटिंग करनी, देखना है कि उन्होंने ऑलरेडी जिन लोगों के लिए इंस्पेक्शन की है वो उनके बारे में क्या कहते हैं रिव्यूज में, उनके पास गोल्डन बैज है, उनके पास जेम्स है, उनके पास ट्रेड इंश्योरेंस है, सारा कुछ आपने इंस्पेक्शन वालों का वैसे ही देखना है, ठीक है। और ये भी देखना है कि वो बंदा ऑलरेडी जिस नीश में आप काम कर रहे हैं उसी नीश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्ट कर चुका है ना, फिर उसके साथ जाना है, ठीक है। अब इंस्पेक्शन में आपके पास डिफरेंट आते हैं क्राइटेरियाज, क्राइटेरियाज की इंस्पेक्शन क्या करनी है, मसलन इनमें आता है मेजर माइनर 10, मेजर माइनर 2.0, 1.0, इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है जी। अब आप लोगों ने लिखो, असाइनमेंट लिखो भाई मंडे के लिए, ये इंस्पेक्शन टीम के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंस्पेक्शन टीम, उनको आप रूल्स रेगुलेशंस कह लो या उनको स्टैंडर्ड्स कह लो, कि इंस्पेक्शन के वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स कौन से, व्हाट आर द वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स फॉर इंस्पेक्टिंग एनी प्रोडक्ट ऑन अलीबाबा, ठीक है। ये आपने गूगल पे सर्च करना है और इसके ऊपर आपने एमएस वर्ड पे एक थोरली एक डॉक्यूमेंट राइट अप करना है, वो आप दो लाइनों का करें, चार लाइनों का करें, बस जितने स्टैंडर्ड है आपने वो समझाने, ठीक है, और वो आपने मंडे को अपने पोर्टल पे अपडेट कर देने, अपलोड कर देने। मैं एक स्टैंडर्ड बताता हूँ, मसलन एक स्टैंडर्ड था मेजर माइनर 2.0, इसका मतलब क्या है कि मेजर डिफेक्ट हो आपकी प्रोडक्ट में सप्लायर की तरफ से या माइनर डिफेक्ट हो 20% तक एक्सेप्टेबल, मेजर माइनर 2.0 20% तक एक्सेप्टेबल। इससे क्या हुआ, मैंने इंस्पेक्शन करवाई 1000 यूनिट्स से मेरे, मैंने इंस्पेक्शन वाला हायर किया, उसने मुझसे पूछा कि आपने कितने सैंपल की इंस्पेक्शन करवाए, उस हिसाब से वो पैसे लेते। मैंने कहा 1000 में से मेरे रैंडम 300 यूनिट इंस्पेक्ट करना, रैंडम के 1000 पड़े हैं, कोई से भाई एक उठाया, कोई सा भी एक उठाया, 300 यूनिट इंस्पेक्ट करने। तो उसने मुझे कहा जी क्या मेजर माइनर क्या, मुझे नहीं समझे, फिर मैंने इसको गूगल से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, फिर मैं समझा, फिर मैंने उसे कहा कि 20%। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो 300 यूनिट, 1000 नहीं, 300 में से 20 एक्सेप्टेबल होंगे, 300 यूनिट जो उसने रैंडमली इंस्पेक्ट किए मेरे, उसमें अगर 20% मेजर माइनर डिफेक्ट आया तो वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, ये मैं एग्री कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है, ये करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो मेरा सप्लायर अच्छा था, वो जितने यूनिट्स में डिफेक्ट आया उसने मुझे रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। तो इस वे में हम इंस्पेक्शन करवाते हैं, बाकी चीज वही है इंस्पेक्शन वाले के साथ भी, डिटो डिटेल में बात करनी है, उसी तरह ट्रेड इंश्योरेंस पे हर चीज लिखवानी है, कुछ भी ट्रस्ट नहीं करना, क्लियर है जी। चलो फ्रेट फॉरवर्डर लिखा तो सारे फ्रेट वाले आ जाएंगे, से बात करें और इनसे जो है वो चीजें डिस्कस कर लें, ठीक है जी, क्लियर है जी। चलो अब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूं आपको,